आप लोग देख ही सकते हो मैं किस तरह से आप लोगों को ये सीन दिखा रहा हूँ। ये अभी यहाँ फिलहाल ये लोग बैठे हुए हैं और वो सीन वीडियो पर्सनली मैं उस बंदे के लिए बना रहा हूँ जो मेरी वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट डेली करता ही रहता है इस शूटिंग लोकेशन के थ्रू। ठीक है, तो अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। तो आप लोग तो ऑलराइट सो गाइस, जरा पता है सनम तेरी कसम मूवी शूटिंग के लिए मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा था कि पिछले व्लॉग में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा। ठीक है, और आज मैं दोबारा से उसी शूटिंग की लोकेशन दिखाने वाला हूँ। फ़र्क इतना है कि पहले की जो वीडियो क्वालिटी थी वो काफ़ी मतलब अच्छी थी और आज की जो वीडियो क्वालिटी होने वाली है वो थोड़ी ऐसी नॉर्मल तरीके की होने वाली है, मगर वो सीन आज मैं आप लोगों को पूरा कैचअप करके दिखाऊंगा, पूरा शूट करके। ठीक है, पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि यार ये सीन थोड़ा मिस हो गया, वो सीन थोड़ा मिस हो गया, मगर आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पूरा सीन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ शूट करके, वो किस तरह से शूट हुआ गया था और वो सीन को किस तरह से लिया गया था। ठीक है, तो एक वीडियो में देखो मुझे कमेंट करा था एक भाई ने, क्या ये मूवी मेरी फेवरेट है, इस मूवी का एक लास्ट सीन दिखाओ मुझे। ठीक है, तो मैं लास्ट सीन नहीं दिखा सकता क्योंकि वो लास्ट सीन भाई यहाँ शूट नहीं हुआ था, वो अमेरिका साइड में शूट हुआ था। ठीक है, तो जो सीन यहाँ है वो सीन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और पर्सनली मैं उस बंदे के लिए बना रहा हूँ जो मेरी वीडियो पर काफ़ी सारे कमेंट डेली करता ही रहता है इस शूटिंग लोकेशन के थ्रू। ठीक है, तो अच्छा भी लगेगा आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, और एड कर, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो सीन दिखाया था ना वो किस इस तरह से रिकॉर्ड हुआ था, जब आप लोगों को पता है सनम तेरी कसम में जो हीरो रहता है, ठीक है, उनके पापा जी का यहाँ पर्स गिर जाता है। ठीक है, वो सीन यहाँ रिकॉर्ड हुआ था, तो यहाँ उनके पापा जी का जब पर्स गिरता है इस जगह, आप लोग देखोगे इस जगह, ठीक है, तो वो सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड होता है, वो अंदर से बाहर आ रहे होते हैं तो जो उसमें हीरोइन रहती है फिल्म की वो कहती है कि पर्स गिर गया आपका, तो वो सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हुआ था जब हीरो यहाँ से भागता भागता यहाँ से जा रहा होता है और इस तरह से उस सीन को रिकॉर्ड करा गया था। खिड़कियाँ वगैरह सब देखने को मिलेगी और आज इसी सीन से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा कि इस मूवी का सेट वगैरह किस तरह कहाँ लगाया गया था सेट मूवी का, और आज भी जहाँ भी मतलब यहाँ कितनी मूवी डेली चलती रहती है। ठीक है, अभी भी फिलहाल शूटिंग चल रही है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हो, ज़्यादा नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो ये जो मूवी का सेट किधर लगाया गया था प्रोफेशनल सेट मूवी का, वो चीज़ भी दिखाने वाला हूँ, ये शूटिंग लोकेशन ही नहीं दिखाने वाला, तो ये आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से सीन रिकॉर्ड हुआ गया था। सीन इधर भी रिकॉर्ड हुआ गया था जब यहाँ से इरहान चल के आते हैं ना तो वो यहाँ गिर जाती हैं, तो यहाँ वो सीन रिकॉर्ड करा गया था और वो यहाँ कार खड़ी थी यहाँ ब्लैक कलर की, ये सब सीन इस तरह से रिकॉर्ड हुआ था, मैंने जो आप लोगों को पहले तो बता ही दिया था। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन मूवियों का जो सेट रहता है वो किस जगह लगता है और कैसे लगता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इनको सेट में सुविधा मिलती है, ठीक है, वो सब दिखाने वाला हूँ आप लोग। और बढ़िया सर, आप लोग देख सकते हो यहाँ फिलहाल चल रही है शूटिंग लोकेशन। ठीक है, अभी फ़िलहाल शूटिंग हो रही थी और मैं जितनी भी बार आता हूँ इस जगह शूटिंग होती रहती है, होती रहती है, काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है यहाँ पर, और इसी तरह से भाई देखो आप लोगों को जैसे मैं दिखा रहा हूँ इसी तरीके से यहाँ सेट लगता है हर फिल्म का। ठीक है, हर फिल्म का सेट लगाया जाता है, खाना पीना जितनी भी सब सुविधा है ना वो यहीं रहती है, सिर्फ एक सीन को, और एक सीन को शूट करने में भाई साहब पूरा पूरा का पूरा दिन चला जाता है, और अगर वो पूरे दिन में भी ना शूट हुआ तो वो पूरे दिन का पैसा भी वेस्ट जाता है, क्योंकि लाइट है वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, माइक रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को उस सीन में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो यहीं लगाया जाता है, टेंट वेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें वो मतलब एक बीच रोड पे नहीं साइड में देख के लगाया जाता है, अभी जैसे इस जगह लगा दिया या इस जगह लगा दिया, वो किसी भी लोकेशन पे वो लोग टेंट वगैरह फिट कर देते हैं अपना और ऐसे हो जाता है। तो इस सीन को रिकॉर्ड होने में कम से कम पता पूरा दिन चला जाता है, पूरा दिन टेंट लगना हटना, खाली मानो 30 सेकंड का जो सीन रहता है ना उस सीन के अंदर पूरा का पूरा दिन चला ही जाता है। तो आप लोगों को मैंने ये भी दिखाया, और सनम तेरी कसम मूवी के अंदर जब वो सीन रिकॉर्ड हुआ था तो वो यहाँ से रिकॉर्ड हुआ था, पीछे से इसी लोकेशन से, तो वो सब चीज़ें भी आप लोगों ने देखी थी और काफ़ी ही सारा मुझे प्यार दिया था मैंने देखा था। आप लोग देख ही सकते हो मैं किस तरह से आप लोगों को ये सीन दिखा रहा हूँ, ये अभी यहाँ फिलहाल ये लोग बैठे हुए हैं और वो सीन रिकॉर्ड हो रहा है, और आप लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी क्योंकि अभी ये सेट है ना वो तैयार हो रहा है, क्योंकि अभी ये धीरे धीरे तैयार होकर यहाँ पूरा सेट बन जाएगा, उन लोगों की यहाँ वैन भी खड़ी है, सब आप लोगों को देखने को मिलेगा, वैन वगैरह उन लोगों की पूरी यहाँ खड़ी रहती है, बड़ी वैन रहती है,
अगर कोई बड़ी फिल्म का सीन है या कोई बड़ा स्टार वगैरह आ रहा है तो उसकी एक अलग वैन होती है, वो इस साइड खड़ी रहेगी और हम लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पूरा अच्छे से, माइक वगैरह पूरा देखो, लोगों को मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऑल राइट गाइस, सर एक बंदा मुझे डेली कमेंट करता रहता है वीडियो के ऊपर, बता काफ़ी सारे उसके मैं कमेंट पढ़ता हूँ, तो वो सनम तेरी कसम मूवी उसकी काफ़ी फेवरेट है, तो उसी के लिए मैं ये सीन लेकर आया था। मैंने कहा उसको मैं दिखाऊं कि इन सब चीज़ों की किस तरह से मुंबई में, वो मुंबई में नहीं रहता, मुंबई से बाहर है, तो किस तरह से उन सब चीज़ों का सेट लगाया जाता है और किस तरह से कैमरा लाइट लगाया जाता है। और एक चीज़ बताऊं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कि ये जो पूरा दिन का एक सीन रहता है ना शूट होने का, मानो एक मिनट का सीन रिकॉर्ड होने वाला है, तो एक मिनट के सीन में कम से कम 10 लाख से ऊपर का खर्चा आता है एक सीन रिकॉर्ड होने में, ठीक है। वो 10 लाख का खर्चा अलग, और वो सीन नहीं रिकॉर्ड हुआ मतलब कुछ गलत हो गया, पूरा दिन ऐसे ही चला गया, तो वो और पैसे वेस्टेज है, ठीक है। तो भाई ये आसान बात नहीं है, यहाँ पर आप लोग आके शूटिंग लोकेशन देख सकते हो, ऐसा कुछ भी मना नहीं है। मुंबई में कभी भी आओगे तो कुलाबा वगैरह में आके आप लोग शूटिंग लोकेशन ज़रूर ही विज़िट कर सकते हो, ठीक है। और हो सके तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेना, कोई कुछ नहीं कहेगा, चोरी छुपे आप लोग वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ना कोई मना करने वाला, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।